हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे हेवेल्स की तरफ से आने वाला इंडक्शन स्टोव का। डेफिनेटली दोस्तों, आपको भी पता है कि गैस बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारे लोग अब एक इंडक्शन की तरफ शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। तो जब आप एक नए प्रोडक्ट का यूज करने के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उठते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती है। उन सारी क्वेरीज को बताएंगे आपको इसी चैनल टेक्ट्रॉनिक पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको हेवेल्स की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। अगर हम मॉडल नाम की बात करें तो इंस्टा कुक S-N इसका मॉडल नेम है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करिए तो आपको 9 कुकिंग ऑप्शंस देखने को मिलने होंगे। क्या होते हैं ये कुकिंग ऑप्शन वगैरह, वो सारी चीजें आपको जब मैं इस बॉक्स को ओपन करूंगा तो सारी चीजें समझाता हुआ चला जाऊंगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपको भी पता होना चाहिए कि जब कोई हम इंडक्शन खरीदने जाते हैं तो वहां पे हमें अलग अलग वॉट्स के इंडक्शन देखने को मिलते हैं। कोई इंडक्शन 1200 वाट का होता है, कोई 1400 वाट का, कोई 1600, 1800, 1900, 2000, 2200 तक इंडक्शन कुकर आते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे जो हेवेल्स का ये जो इंस्टा कुक है वो आता है 2000 वाट के साथ। तो यहाँ पे 2000 वॉट का क्या मतलब है, ये सारी चीजें आपको आगे समझाते हैं। उसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पे 1 ईयर की वारंटी आपको देखने को मिल रही है। 1 ईयर की वारंटी यूजुअली आपको सारे के सारे इंडक्शन पे 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है, लेकिन हेवेल्स का प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि यहाँ पे 3 ईयर का क्वाइल वारंटी देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा आप गौर कीजिए कि 3 साल का क्वाइल वारंटी देखने को मिल रहा है। अब एक्चुअली जो ये दोस्तों इंडक्शन होते हैं, इंडक्शन के ये जो बीच वाला हिस्सा होता है यहाँ पे क्वाइल लगा होता है कुछ इस टाइप का, और इसमें ज्यादातर जो क्वाइल होते हैं ना वो हाइब्रिड टाइप के लगाए जाते हैं जिससे उसका कॉस्ट कटिंग किया जा सके। लेकिन यहाँ पे जो हेवेल्स कंपनी है वो यहाँ पे प्योर कॉपर का क्वाइल देती है, और ये क्वाइल जो कॉपर के क्वाइल होते हैं बहुत कम खराब होते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्वाइल पे 3 ईयर की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है। तो इंडक्शन का जो मेन कंपोनेंट है जो खराब होता है वो क्वाइल ही होता है, उसके अलावा थोड़े बहुत फंक्शंस में ये सब जो दिक्कतें आती है वो बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज मेंशन किया हुआ है, टाइमर अप टू 3 आवर। ये टाइमर क्या होता है ये भी आपको आगे बताते हैं। इंटेलिजेंट प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, ऑटो पैन डिटेक्शन सेंसर वगैरह दिया हुआ है, ये सारी चीजें आपको आगे बताते हैं। अभी हम थोड़ा सा साइड में देखते हैं किसके साइड में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो आपको साइड में भी हेवेल्स की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, उसके साथ ही इंडक्शन स्टोव है, आइटम कोड वगैरह दे रखा है। इन सारी चीजों से हमें खास मतलब होना नहीं चाहिए। यहाँ पे मेनली मतलब होता है कि इसकी प्राइसिंग क्या पड़ रही है। यहाँ पे बॉक्स के ऊपर इसकी प्राइसिंग लिखी हुई है 5395 रुपए, यानी अराउंड 5400 रुपए। उसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। पीछे की तरफ अगर देखें तो सेम वही सारी चीजें दे रखी हैं जो आगे की तरफ दे रखी थी। उसके अलावा अगर बात करते हैं फिर जस्ट अ मिनट इस साइड में, तो यहाँ पे आपको ये सारी रिसाइकल, इको फ्रेंडली और ये सारी चीजें, एनर्जी एफिशिएंट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए फटाफट से डब्बा को खोलते हैं और उसके बाद से आपको इसका पूरा डिटेल बताते हैं।